जी, जगदीश ओझा जी, अरविंद यादव जी, विवेक निछानी जी, नीलाबेन सोनी, यहाँ उपस्थित मुंबई डायमंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन दहिसर के अध्यक्ष रजनी भाई पटेल, जगदीश भाई काछड़िया, मुकेश भाई बाबरिया, मनसुख भाई वागेसिया, वजू भाई सुचित्रा और सभी सम्मान्य सदस्य और सभी डायमंड इंडस्ट्री के हमारे कामगार भाई बहन, गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन दहिसर के सभी कमेटी मेंबर्स, राजेश साथी कुमार जी, दीपक भाई धनक, अनिल भाई धक्कन, केतन भाई और सभी उपस्थित गोल्ड कामगार मित्रों, आप सबको भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। बड़ा शुभ दिन है हम सबके लिए, एक प्रकार से हमारा जन्मदिन है और हमारा जन्मदिन हम आप सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मित्रों, आपके उद्योग का और मेरा परिवार का कुछ टाका बहुत घनिष्ठ है। 35 साल पहले आप में से कोई वडाला में काम करता था क्या? वडाला में एक पट्टी है पूरी दुकानों की, वडाला स्टेशन के रेलवे ट्रैक के साथ हमारी कई सारी गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी की दुकानें हैं और उस समय पुलिस वाले बहुत उनको तंग किया करते, वो जाते थे बोलते थे किसी भी लड़के को लाके बच्चे को पकड़ के कहलवाते थे कि मैंने यहाँ पे माल बेचा। तब मेरी माँ इंडस्ट्रीज वाले को लंदन में तकलीफ हुई थी, हमारे देवेंद्र जी ने लंदन से उसको यहाँ लेके आए और सुखरूप उसको घर पे भेज दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्करों का भी ध्यान रखते हैं और उद्योगपति का भी ध्यान रखते हैं। यहाँ जितने इंडस्ट्रीज वाले पीयूष जी, पहले इनका जो मशीन था वो मशीन के वजह से पुलिस उनको बहुत हैरान कर रही थी, लेकिन देवेंद्र जी ने एक डायमंड एसोसिएशन के सभी मेंबर के साथ एक मीटिंग ली और सीपी को बोला कि डायमंड इंडस्ट्रीज वाले को परेशान करने का नहीं। और मैं आज वादा के साथ कहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता ने कोई भी इंडस्ट्रीज आके तकलीफ नहीं दी। जो तकलीफ देने वाले हैं वो अभी यहाँ से कैंडिडेट खड़े रहने वाले हैं, बराबर है ना? हाँ, तुम्हारा पोट मारियो छे कंप्लेंट करवा वाला एज ने पाछळथी लेवा वाला भी। और ये आज मीटिंग था पीयूष भाई गोयल का, जो हमारे यहाँ उत्तर मुंबई जिले के प्रेसिडेंट है, उसके सपोर्ट में हम लोग पूरा डायमंड इंडस्ट्री उसके साथ में खड़े हैं। और उससे गए टाइम जो भी कैंडिडेट बीजेपी की ओर से यहाँ चुनाव जीता उससे कई गुना ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जीते हुए आज है। इसलिए हम पूरे डायमंड इंडस्ट्री के जो मेंबर आज आए हुए थे उसको अपील किया है कि भाई आप सब वोटिंग के दिन भी बहुत ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करके उसको जीतते ही बना दिए। सर, कितने लोग उपस्थित थे आपके इस डायमंड में? यहाँ मेजोरिटी यहाँ 1500 लोग तक उपस्थित थे, उनका चेयर कम पड़ती थी तो चारों बाजू खड़े रहते। क्या लगता है सर कि आपको डायमंड के जितने व्यापारी से, जितने मजदूर हैं, जितने सर, क्या सभी उत्तर मुंबई के जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर है पीयूष भाई उनको सपोर्ट करेंगे? सभी 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 मोदी भक्त है सबके सब। डायमंड से रिलेटेड समस्याएं होती थी, इसलिए सबको ज्यादा उत्साह है कि जो हम लोग को वाया उधर बात पहुंचानी पड़ती थी वो अभी डायरेक्ट पीयूष गोयल साहब को बोलेंगे तो हमारा सुनवाई होती है। जो भी समस्या है डायमंड के लगती, इंडस्ट्री के लगती, वर्कर के लगती, वो सारी की सारी समस्या हमको इतना उत्साह है कि अभी जल्दी खत्म हो जाएगी। केतन सतीकोर, दहिसर में रहता हूँ मैं और गोल्ड ज्वेलरी एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा बेसिकली गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। तो आज हम गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी एसोसिएशन ने माननीय श्री पीयूष गोयल जी को न्योता दिया था हमारे साथ संवाद करने का। तो
हमने बड़ी मात्रा में एकत्रित होकर पीयूष गोयल जी को हमारा सपोर्ट जाहिर किया है, और जो भी समस्या जुड़ी हुई है गोल्ड एंड डायमंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज के साथ, तो हमने हमारी समस्या भी पेश की उनके सामने, और पीयूष जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी हमारी समस्या है उनका निवारण होगा। हम आशा रखते हैं पीयूष जी बड़े मार्जिन से जीते, फिर से मोदी सरकार आए केंद्र में और जो भी हमारी दुविधा है उनका निवारण करें। धन्यवाद। हमारा प्रयास तो वही था, इसीलिए हम एक संगठन के थ्रू मिले उनको, गोल्ड एंड डायमंड बहुत बड़ा संगठन है यहाँ पे, तो हम संगठन की ओर से चाहेंगे कि कभी भी हमारी समस्या हो तो हमारी समस्याओं को सुना जाए और उसका निवारण किया जाए। आज इतनी पब्लिक थी, कैसा लगा आपको कि इस तरह से एकत्रित करने की? बहुत बहुत ही, आज मेरे हिसाब से 1000 से 1500 लोग थे यहाँ पे, और बहुत लोग आने वाले थे, बट बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो जगह की समस्या और समय की वजह से इतना नहीं हो पाया, बट बहुत उत्साही है, लोग में बहुत उत्साह है, और सबका यही दावा है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 के बाद।